रेलपथ उपरे हाथीको पाई हेबो ओभरपास सुरक्षित जातायात करिपारिबे वन्यजंतु नजर पकांतु ट्रेन धक्कारे राज्यरे प्राण हराइथिबा हाथीङ्कर मृत्यु संख्या उपरे विधानसभा सरकार देथिबा तथ्य अनुसारे 2016 2021 मोट 406 जन हाथीङ्कर मृत्यु होइछि। सेथिमध्यरु रेल दुर्घटनारे 14 हाथीङ्कर मृत्यु होइछि। तेणु ट्रेन धक्कारे हाथी मृत्यु रोकिबा पई जंगल विभाग और पूर्वतट रेलपथ पक्षरु पदक्षेप नियाजैछि। प्रथम थर पई राज्यरे हाथी पलंकर सुरक्षित जातायात पई तयारी हेबाकु जाउछि ओभरपास। रेल धारणारे हेबाकु थिबा ओभरपास रो इए हेउछि प्रतीकात्मक चित्र। डेंगानाल जिला कपिलास वनखंड दे जाइथिबा रेल धारणा उपरे 100 मीटर चौड़ार ओभरपास तयारी करा जिवो। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ पक्षरु अनुमति परे खूब शीघ्र काम आरंभ हेबाकु जाउछि। एथिपाई डिजाइन प्रस्तुत होइ सारिछि। रेल विभाग सर्भे मध्य करि सारिछि। ओभरपास निर्माण हेले रेल धक्कारे हेउथिबा हाथी मृत्यु को रोकी हेबो। ढेंकानाल कपिलास वनखंड ठारु आठगड़ वनखंड मध्य हाथी मानंक सुरक्षित जातायात पई खूब शीघ्र निर्माण होगा जाउची हाथी मान ओभरपास। ए ओभरपास रो लेआउट प्रस्तुत हो सारी। राजो आठगड़ स्टेशन ठारु जोरंदा रोड स्टेशन मध्य ओभरपास को निर्माण कराचिबो। वर्तमान डिजाइनिंग स्टेज अच्छी डिजाइनिंग हेला रेलवे अथॉरिटीज पुणी नहीं आसवे आम पाक आम स्टाफ मैंने डीएफओ ढेंकानाल अप्रूवल देलापर कामटा आरंभ हो हमें आशे करछु 2 वर्ष भीतर कामटा सरी जाय। प्राय 100 मीटर चौड़ार एही ओभरपास रे थरकरे 35 रु 30 हाथी रास्ता पार होई परिबे। प्रथमे कंक्रीट रो एक ढांचा निर्माण करा जिवो। एहा उपरे माटी दे जंगल भली परिवेश प्रस्तुत करा जिवो। जे रास्ता दे हाथी सहित अन्य वन्यजंतु रेल धारणा को सहजरे अतिक्रम करिपारिबे से निर्दिष्ट पथ दे जेमिति हाथी जिबा आसीबा करिबे सेथि पाई मध्य स्वतंत्र बंदोबस्त करा जिवो। मोटामोटी तौर पर गोटे कंक्रीट स्ट्रक्चर हम ताऊपर 2 मीटर सॉयल फिलिंग हम जो थे कि नेचुरल वेजिटेशन आसीपे और जीवजंतु मानक गोटे अलग स्ट्रक्चर जमी ना लगे लगे कंटिन्यूटी अच्छे सो दैट जो दुईटा लैंडस्केप जो बाइफरकेट हो बिकज ऑफ रेलवे लाइन से कनेक्ट होता आम उद्देश्य अच्छी। हाथीपी ओभरपास आखपाख अंचल प्राय 1.5 किलोमीटर जाए ब्यारिकेड कर ट्रेन लाइन को सुरक्षित कर अर्थात हाथी एही निर्दिष्ट पथ दे रेल धारणा को अतिक्रम करिबे। ढेंकानाल अंबिका पटनायक भुवनेश्वर कैमरा पर्सन नीलक सहित मौसुमी महांती रिपोर्ट कनक न्यूज़।